कार्तिक कुमार। इस्तीफे के बाद पहली बार कार्तिक कुमार का बयान सामने आया है। बिहार के मंत्री कार्तिक कुमार ने कल इस्तीफा दे दिया था। अब कार्तिक कुमार ने जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कार्तिक कुमार ने कहा है कि बीजेपी को पच नहीं रहा था कि कोई भूमिहार मंत्रिमंडल में शामिल था। उन्होंने अपने इस्तीफे पर कहा कि नीतीश और तेजस्वी की छवि धूमिल हो रही थी, इसलिए इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, कार्तिक कुमार बिहार के मंत्री थे, कानून मंत्री थे, उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। इस बात को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई थी। अब कार्तिक कुमार ने इस मामले पर जाति कार्ड खेला। इस्तीफे के बाद पहली बार कार्तिक कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। कार्तिक कुमार ने जाति कार्ड खेला और कहा कि भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ बवाल मचाया गया। सर, ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सहनी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे, हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और जमीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जुड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। मेरे उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है, तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, दो मत में है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहता है हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना? अपहरण, आप बता रहे हैं कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया, कब? जब FIR मेरा नाम नहीं है, 161 का होता है पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है, तो उसका हम आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है, भाई मतलब निर्दोष कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी को तो आदमी चिन्ह रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में, तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, क्योंकि पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। तो कोर्ट में मतलब मेरा बात रखा हुआ था, लेकिन उसी को हम न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय में हमको न्याय मिलेगा। और हम इसी बीच लगा कि भाई इतना ना मतलब लोग हाई तवा मचा रहे थे बीजेपी के लोग, जिससे हमारा पार्टी का, हमारे माननीय नेता का छवि खराब हो रहा था, मेरा छवि धूमिल हो रहा था। हमको ऐसा लगा कि भाई मतलब पार्टी हित में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इन सबके को मतलब प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, हमारा प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो, इसलिए हम अपना रिजाइनेशन देना उचित समझे और हम दे दिए। उसके बाद जो भी पार्टी जब मतलब अपना केस से आपको अच्छी हो जाएगा न्यायालय से, तो फिर जो पार्टी जवाब नहीं देगी उसको हम बढ़िया से निर्वाचन। विभाग बदलने को लेकर कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, हम जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने हुए आदमी हैं। पहले तो पूरे पटना जिला में 14 विधानसभा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरकार हम पर भरोसा किया और पूरे बिहार का जवाब हमको दिए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरे। लेकिन हमारे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमको लगा रिजाइनेशन देना उचित होगा। कार्तिक कुमार का पहली बार बयान सामने आया है कि इस्तीफे के बाद, कल कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। पहले वे कानून मंत्री थे, उनके खिलाफ अपहरण के मामले में वारंट जारी हुआ था। इसके बाद एबीपी न्यूज़ ने इस खबर को जब दिखाया तो इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी हमलावर हो गई और सरकार दबाव में आ गई। कल उनका मंत्रालय बदला गया और रात में इस्तीफा ले लिया गया। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी, इस खबर को दुनिया के सामने लाने वाले, एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले इस खबर को देने वाले, प्रकाश आपकी खबर बिल्कुल अब सही ठिकाने पर पहुंची है। कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। कार्तिक कुमार एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनके मंत्रिपरिषद में रहने से छवि धूमिल हो रही थी तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी को पच नहीं रहा था कि एक भूमिहार मंत्रिपरिषद में, सच्चाई क्या है? देखिए, ये बात तो साफ है कि जिस तरह से बातें चली आ रही थी पिछले कई दिनों से, 16 अगस्त के बाद से जब से उन्होंने शपथ ली थी मंत्री पद की, उस वक्त से कि आखिर इनका इस्तीफा कब होगा, बिहार में बाहर है, वारंटी मंत्री फरार है, ये जो सब चल रहे थे
इस पर सवाल उठने लगे थे, बीजेपी भी काफी हमलावर हो गई थी। आज जब इस्तीफा के बाद उनका बयान आया है तो आप बयान को गौर से सुनिए। एक तरफ कह रहे हैं कि छवि का नुकसान हो रहा था सीएम और डिप्टी सीएम यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, तो जाहिर है कि इस छवि को कैसे नुकसान पहुंच रहा था और क्यों पहुंच रहा था ये कहने की बात है। लेकिन ये बात हर किसी को पता था कि अगर जिस तरह से उनके खिलाफ वारंट था और एक यानी आज की तारीख तक ही उनके पास वक्त था कि वारंट के बाद उनको पेश होना है, उनके वकील के जरिए वो पेश हो रहे थे, तो उस वक्त में ये साफ था कि कुछ भी हो सकता है। तो सरकार की किरकिरी होती, फजीहत होती कि किस तरह से एक मंत्री रहते और वो न्यायालय में निचली अदालत में जाएगा और बेल मांगने के लिए जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता और नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि जो अब तक वो रखे हैं उस पर दाग लगता। नीतीश कुमार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी मान जाए और वो इस्तीफा दे दें, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सबसे पहले विभाग बदल करके ये संकेत दे दिया कि अभी भी वक्त है, अगर तेजस्वी चाहें तो उनका इस्तीफा ले लें। और यही वजह थी कि सुबह में विभाग का बदलाव हुआ और शाम तक इस्तीफा ले लिया गया। तो आपकी आपके चैनल एबीपी न्यूज की खबर का यह असर हुआ कि इतने दिनों से जो बातें चली आ रही थी, जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा था कि एक संगीन मामले में, अपहरण में के मामले में वो आरोपित है, उनके खिलाफ में चार्जशीट है, उनके खिलाफ में वारंट है, तो ऐसे में कोई मंत्री कैसे रह सकता है। जी, अपनी खबर से मंत्रियों का इस्तीफा लेने वाले प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, एक आपने जो बात बताई कि तेजस्वी पर इस बात का दबाव था कि वो इस्तीफा ले लें, लेकिन जब इस्तीफा नहीं लिया तो नीतीश कुमार ने विभाग बदला, इसका मतलब है कि कार्तिक कुमार का इस्तीफा जेडीयू और आरजेडी के बीच एक रस्साकसी की वजह बना हुआ था। बिल्कुल, शुरू से ही 16 तारीख के बाद से ही ये मामला उठ रहा था, उस वक्त शायद नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें हमारे दर्शक जो एबीपी न्यूज को लगातार देखते रहे हैं जमाने से, कि ये सबसे पहला मौका तब आया था जब मेवालाल चौधरी के मामले में, जब पिछली बार सरकार बनी थी तो उस वक्त उनको नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, उस भ्रष्टाचार का भी खुलासा एबीपी न्यूज नहीं किया था। और उसके बाद से रामाधार सिंह जो बीजेपी है, जो एनडीए की सरकार थी, तो उस वक्त में भी उसका खुलासा एबीपी न्यूज नहीं किया था, आपके हमने ही किया था उस वक्त भी। तो ये तीसरा मामला है जिसमें ये सीधे तौर पर देखा कि एबीपी न्यूज ने ये मामले को उठाया और कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। अब जाहिर है कि इसको लेकर तलखी तो जरूर थी। बीजेपी भले दावे कर रही हो कि यह मामला जो है वो अब विकेट जो है वो क्लीन बोल्ड हो गया है नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने भी सधे हुए चाल के साथ में समय से पहले उन्होंने इस्तीफा लेकर के ये बता दिया कि आगे भी इस तरह की अगर कोई बात आएगी तो उस पर वो गुरेज नहीं करेंगे किसी तरह के कदम को उठाने के लिए। पर सवाल उठता है कि और भी है ऐसे दागी जिन पर चार्जशीट है और क्या उनके खिलाफ में नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करेंगे। विकास, बिल्कुल, तो प्रकाश कुमार की इस खबर के बाद ही कार्तिक कुमार को कल रात इस्तीफा देना पड़ा। उससे पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए विभाग बदला था, लेकिन प्रकाश, क्या ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार ने कार्तिक कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस बाहर का रास्ता दिखाने से न केवल तेजस्वी के ऊपर जो जंगल राज का आरजेडी के ऊपर धब्बा लगता था, दाग लगता था, वो भी धुल गया और नीतीश कुमार ने भी बता दिया कि अपराधियों को या आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी नीतीश कुमार से कार्तिक कुमार के बारे में सवाल पूछा गया तो वो टाल मटोल करते रहते। जाहिर है कि वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि आखिर उनके गठबंधन के जो नए गठबंधन के साथी हैं, लालू यादव की पार्टी है, उसमें क्या दखल अंदाजी सीधे तौर पर देना ठीक होगा। तो वो वक्त ले रहे थे और इतना वक्त उन्होंने लिया, 16 तारीख के बाद से 15 दिन बाद इस्तीफा लिया, तो जाहिर है कि वो गठबंधन में अभी समय देना चाहते हैं इस बात को लेकर कि किन किन बातों पर नीतीश कुमार कभी भी समझौता नहीं करेंगे। तो ये भी एक संदेश उन्होंने दिया है, पर समझौता कहां तक और कब तक कैसे करना है ये देखना दिलचस्प होगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन इस बीच कार्तिक कुमार के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त राजनीति गर्मा गई है। बिहार में पक्ष और विपक्ष आपस में वार पलटवार कर रहे हैं, वार पलटवार बयानों के जरिए हो रहा है। और कार्तिक कुमार के इस्तीफे की जहां नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए, अपराधी पृष्ठभूमि वालों के लिए मंत्रिपरिषद में जगह नहीं है, वहीं बीजेपी कह रही है कि उसके दबाव की वजह से कार्तिक कुमार से इस्तीफा लिया गया।
ये वही कार्तिक कुमार है जिन पर अपहरण के मामले में वारंट था गिरफ्तारी का, कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय उसी दिन राजभवन पहुंच जाते हैं और शपथ ले लेते हैं और उनको कानून मंत्रालय दे दिया जाता है। तो नीतीश जी आप इतने कमज़ोर हो गए, क्या लालू के दबाव में आपने उनको मंत्री बना दिया? और बाद में जब उनके इस्तीफे की मांग होने लगी तो लालू यादव ने कहा कि सुशील मोदी झूठा है, मुझे पूरी जानकारी है कि कार्तिकेय कुमार निर्दोष हैं, आज फिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा? और ये 20 दिन तक इस प्रकार की फजीत होती रही, पूरे देश में बिहार की क्या छवि बनी? और देखिए, जैसे क्रिकेट के मैच का ये पहला ओवर था जिस पहले ओवर में नीतीश जी क्लीन बोल्ड हो गए, तो ये तो पहला विकेट गिरा, अभी और कई विकेट गिरेंगे, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। चूँकि इनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन बाहुबली हैं, डॉन हैं, माफिया हैं, जिनकी छवि समाज में अपने ज़िले के अंदर अपराधी की छवि है, अपहरणकर्ता की छवि है, किडनैपर की छवि है, हत्या की साजिश करने वालों की छवि है, आर्म्स एक्ट रखने वालों की छवि है। तो ऐसे लोगों को लेकर आप कब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे? जो उन्होंने खबर आया है उसमें यह है कि उन्होंने अपने अंतर मन से दिया है, अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वह राजभवन ने स्वीकृत भी कर लिया है। अब स्वाभाविक है, जो मामले दर्ज थे अब उनके मन के अंदर क्या पैदा हुआ, उसकी अद्यतन कानूनी स्थिति क्या थी, वो तो वो जाने। कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि सुचिता का सवाल था इसलिए इस्तीफा हुआ, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार सरकार में दागी मंत्री कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी वो कह रही है कि इस सरकार में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे जो चेहरे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मनोज झा, आरजेडी सांसद हैं। सर, कार्तिक सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया है लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब इतना दबाव पड़ा उसके बाद में ये नीतीश कुमार वो नहीं है जो मामला सामने आने के बाद में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी बीजेपी की बात कर रहे हैं? विपक्ष में तो सिर्फ बिहार में बीजेपी है, सब एक पक्ष, अकेले बीजेपी है, जमीन पे कुछ है नहीं। नंबर एक, ये वो भी विपक्ष है बीजेपी है जिसके मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं। सुचिता की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए, आईना रखिए। दूसरे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, फाइल लेके भाग गए, ये है बीजेपी। उनको हमने तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब तक अनफोल्ड करता है उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सुचिता का प्रमाण है। क्या बात कर रहे हैं भैया, आपने एक मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, कैबिनेट की बैठक की, सारे मुकदमे आपने वापस ले लिए, कई तरह के मुकदमे थे, रंगीन मुकदमे थे। तो बेसिकली मेरा एक एडवाइस होगा जो बीजेपी को आजकल मैं लगातार देता हूं कि आपके घर में आईना संभवतः नहीं है, कहिए तो भिजवाऊं, आईना रखिए सामने तबसीरा कीजिए। लेकिन सर, कहा यह जा रहा है कि जिस दिन शपथ ली क्या कोई जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, क्या कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें जो मुख्यमंत्री को ये पता हो, और उसके बाद भी 14-15 दिन लग जाते हैं और उन्होंने भी खुद इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री ने नहीं उनको हटाया, उनका तो विभाग बदला गया था। ये देखिए सीधी सी बात है, आप लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो सूक्ष्म अन्वेषण आप करते हैं ना वो हम पर करते हैं। इतनी शिद्दत से आप ये कैमरा लेकर के मोदी जी के पास कुछ सवाल पूछ लेते अजय मिश्रा टेनी के बारे में, आप योगी आदित्यनाथ से पूछ लेते तब मुझको लगता आप संतुलित रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया संतुलित व्यवहार कर रहा है। 1 अगस्त तक का, 1 सितंबर तक का स्टे था, जैसे ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लगा उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, मौका ही नहीं दिया किसी को कुछ बोलने का। तो इससे चिंता हो रही है और ये चिंता वाजिब है क्योंकि बीजेपी इतनी अलग थलग है, उनके लोग लोगों के बीच में बिहार में नहीं जा सकते। जरा एक मीटिंग करके दिखा देना, 500 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये है बिहार। और ये जो बिहार हो गया है ना, इसकी तकलीफ अमित शाह जी को भी है, मोदी जी को भी है, अब ये तकलीफ का प्रस्फुटन है, आप ये सवाल लेके आ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।